चलो आई एम रेडी। ये क्या पहना है? क्यों, अच्छा तो है, कुछ ढंग के कपड़े तो पहन, इतने सारे लोग रहेंगे वहां पर, क्या सोचेंगे? ये सब इतना मत खा। क्यों? क्योंकि सब बोलेंगे कितना मोटा हो गया, कौन करेगा शादी इससे। देखो तो मालूम है लोग कैसे बातें बनाते हैं। ये कोई टाइम है आने का? मैं हार्डली बाहर जाता हूँ और आपने ही बोला था आराम से आना। अब पर इतना लेट, किसी ने तेरे को देखा तो नहीं ना आते हुए? नहीं, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अच्छे घर के बच्चे इतने लेट तक बाहर नहीं रहते। तुझे नहीं लगता यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग? नहीं, क्यों? क्योंकि वो पूजा आंटी और वो सब तेरे बारे में बात कर रहे थे। उनका क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बट वो लोग ऐसे सोचते हैं ना। मुझे नहीं लगता मैं मेरा जॉब कंटिन्यू कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ टू डू समथिंग एल्स। जैसे क्या? जैसे कुछ क्रिएटिव डिजाइनिंग या कुछ पढ़ लूँ। अरे अभी कैसे करियर स्विच कर सकता है? डिजाइनिंग को तो 4-5 साल लग जाएंगे। हाँ, आई थिंक आई डू वेल। बट अगर तू डिजाइनिंग करेगा ये उम्र में तो लोगों को क्या लगेगा? वो लोग तो बोलेंगे ना कि सेटल होने की उम्र में ये पढ़ाई कर रहा है। देख अभी सही टाइम है। किसके लिए? शादी के लिए। किसकी? ऑफ कोर्स तेरी। अरे मॉम यार बहुत टाइम है अभी। अरे कर दे अभी, फिर 30 साल का होने के बाद लोग बोलते कोई नहीं मिलती। हाँ चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सब आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं इतना 30 साल का हो गया अभी तक इसकी शादी नहीं हो रही है, कुछ तो बात होगी। तू किसके साथ घूम रहा था रात को? अनीशा के साथ। ऐसे क्यों देख रहे हो? शी इज जस्ट अ फ्रेंड। हाँ वो तो मुझे भी पता है शी इज जस्ट अ फ्रेंड, पर दूसरों को नहीं पता है ना। राधिका आंटी ने फोन करके बताया रात को दैट यू आर विद हर। सो क्या, ऐसे टाइम पे लड़कियों के साथ मत घुमा कर। पड़ोसी देखते रहते और वॉचमैन लोग भी बातें करते रहते हैं। कुछ जॉब या कुछ ढूंढ ले या तो फिर MBA कर ले। हाँ मैंने आपको बताया तो था मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ वो सब ठीक है, बट क्या सब रिश्तेदार पूछते रहते हैं कि तू क्या करते रहता है। तो उनको बता दो कि मैंने ब्रेक लिया टू फिगर आउट थिंग्स। पर वो लोग समझते ही नहीं ना, आपस में बातें करते रहते हैं। तो उनको करने दो ना। मैं सोच रहा हूँ टू गेट अ टैटू। टैटू? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को। अरे बस, लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे उससे हमको क्या, हम हर चीज करने से पहले क्यों सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें क्यों फर्क पड़ता है? ये कपड़े मत पहन, लोग क्या कहेंगे। अरे मैं कुछ भी पहनूं मेरी मर्जी, उनका प्रॉब्लम है तो जाके उनको बोलो कि आंखें बंद करने के लिए। ये टाइम पे मत आ, लोग क्या कहेंगे। अरे मैं कभी भी आऊं उनका क्या जा रहा है, इससे बात मत कर, उसको मत मिल, ऐसे कपड़े मत पहन, वैसे मत बैठ, वैसे बाल मत बना। अरे मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं उनका क्या प्रॉब्लम है। दूसरों के बारे में जजमेंट्स पास करने के लिए बहुत टाइम होता है उनके पास, लेकिन उनमें जो फॉल्ट्स होते हैं वो तो कभी उनको दिखता ही नहीं। पता है इस चक्कर में लोग जो करना चाहते हैं वो करते नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और हम उनकी क्यों सुने? क्या वो हमारे बिल्स भरते, हमें खाना देते, हमारा ख्याल रखते? तो हमें क्यों सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे? और उनको तो पता भी नहीं कि उनके बच्चे क्या करते हैं। हम तो कभी उनके बीच में नहीं पड़ते, तो वो लोग हमारे बीच में क्यों आते हैं? लोग बोलते रहेंगे, अरे उनको तो हमारी फिक्र भी नहीं है, उनको तो सिर्फ गॉसिप चाहिए। दूसरों के लाइफ में टांग अड़ाना पसंद है उनको, वैसे भी उनको और कुछ काम तो है नहीं। अरे हमारी लाइफ है, हमें जैसे चाहिए हम वैसे जिएंगे, और लोग क्या बोलते हैं क्या सोचते उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना मत चिल्ला, बाजू के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे।